हेलो फ्रेंड, जैसे राम कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का रविपाल ब्लॉग्स में। तो चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। वो दिन है आज बुधवार का। तो अभी सुबह का टाइम है, बारिश हो रही है बहुत तेज। ये देखो पूरी रात से हो रही तेज, अभी रुक गई, हल्की हल्की हो रही है अभी। तो अभी कहाँ हो आप इधर? तो अभी मुझे जाना है, कंप्यूटर इंस्टॉलेशन का काम मिला है जिला सहकारी बैंक में, जो सोसाइटी होनी है, सोसाइटी होती है उसमें। तो पर कंप्यूटर चार्ज है और बहुत सारे आइटम है, यार इन्वर्टर, बैटरा, कंप्यूटर, डेस्कटॉप और जी डोंगल है, वाईफाई की, ये सब चीज़ें। इंस्टॉलेशन का काम जो है, नए कंप्यूटर आए हैं सोसाइटियों में, कुछ सोसाइटियों में। हमारी शामली और मुजफ्फरनगर ब्रांच में, डिस्ट्रिक्ट में आए हैं 25 कंप्यूटर। तो उनका इंस्टॉलेशन का काम जो मिला है वो हम करने जाएंगे अभी बारिश में। दो दिन से कर रहे हैं, शामली जिला कवर हो चुका है सारा, और आज निकलते हैं मुजफ्फरनगर के लिए और निकलते हैं इस वाली हालत, क्योंकि बारिश हो रही ना। हाँ, ऐसे निकलते हैं और यहाँ से जाएंगे सीधा, हम निकलेंगे थाने भवन से, एक हसनपुर लुहारी गांव है उसमें लगाना, छठावर लगाना है, और उसके बाद निकलेंगे आगे और वहाँ से मार्केट से लेंगे आज रेनकोट, क्योंकि बारिश अब तक तो थी नहीं, अब हो रही है अभी। ये देखिए अंडिका का चल रहा फेशियल है, और इसे ना आज ये वो मिल गया जो फेशियल करते हैं ना स्पंज सा, तो इस वजह से ना यार इसकी फेशियल कर रही। कर लो बेटा मेकअप करो, चलो मुंह साफ कर दिया अपना। क्या लगाया? अभी तो लगाया था मम्मी का मुंह भी लगा, चल मम्मी का मुंह भी कर, अभी तो कर दे, मुझे भी जाना तिला रहा। पानी में भिगो रखा है, ठंडा ठंडा, बस बस अब वो सॉफ्ट है, बस एकदम से अपना मुंह कर ले, अपना मुंह कर ले साफ, बस होगी होगी मम्मी तो सोनी, चल बस बस मेरा तो हो गया साफ। और गुलाब जल लगा लगा के मैं तो सभी देख के आ, मैं जब वीडियो बनाने लगी पापा का भी करे अपने, जा कर जा, इतना सॉफ्ट है बहुत ज्यादा ये। हाँ। बहुत बढ़िया मुलायम सा एकदम गुलाब जल, मुंह घेर रही मम्मी, मम्मी गुलाब जल घेर रही, हो गया साफ, बस काला कर दे, देख तेना तो कर देना काला, कसो कर रहा मुंह साफ, बस मेरा तो हो रहा, बस बस मेरा तो हो रहा, सारे को फिर अपने प्यारों में भी हाथों में भी सब जगह फेर दी। कहाँ जाए, कल कूदू, कहाँ से जाओगे? घूमने जाओगे, घूमने जाओगे ना, हेलो तो बोजी के, बोजी का जाओगे, घूमने जाओगे बड़े। और जिस दिन अलमारी खुल जाए ना इसे दिख जाओ, फिर कुछ ना कुछ ठा के ले आवे। चलो बस हो गया, ला मुझे दे दे, मैं भी कर लूँ, ला ला मैं भी कर लूँ, थैंक यू। मुंह साफ करूं मैं भी। देखिए गाइस अभी शाम का टाइम हो चुका है, शाम के बज चुके हैं 4:45 और अभी हम जा रहे हैं ताऊजर के उधर। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ, आज काफी दिनों बाद साड़ी पहननी है और जी है ग्रीन कलर की, तो मैं पहनती नहीं कभी भी क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत हो गया, कुछ तो गर्मी हो रही और कुछ मतलब कि बच्चों की वजह से, काम वाम की वजह से पहन नहीं जाती साड़ी, बड़ी काम नहीं होता मेरे से, कोई कोई तो साड़ी पहन के भी काम कर ले लेकिन मेरे से होता नहीं। तो अभी जो है अंडिका को भी हमने तैयार कर दिया है, ये देखिए इधर, और ये सो रही है, सोती सोती का कपड़े पहना दिए, वैसे नहा तो ली थी दिन में, और अभी मम्मी जो है दूध निकाल रही, वो इस वजह से नहीं गई, हम थोड़ा सा लेट जा रहे हैं, वो दूध निकालने की दिक्कत हो रही ना जो चाचा जी होते हैं घर पे, फिर तो चाचा जी निकाल लेते दूध, अभी मम्मी को निकालना पड़ रहा। और जो मेरे से भी नहीं आता गाय का दूध निकाला, जो हमारी गोरी थी ना गाय उसका दूध तो निकाल लेते थे क्योंकि बहुत ही हल्की धार थी इसकी और इसकी तो बहुत टाइट है, और अभी मम्मी दूध निकाल कर लेकर आ गई है, फिर मम्मी को होना है तैयार तो फिर जाएंगे अभी, तो तब तक मैं होगी तैयार। अभी मम्मी आ गई है दूध लेकर, तो अभी तैयार होगी और फिर चलते हैं अर्णिका को भी लेकर, छतरी ले लेंगे मम्मी है, खुल गया तो बारिश हो रही और अभी तो हल्की फुल्की सी है, पर फिर भी अर्णिका सोती हुई जा सो कर उठेगी एकदम, मम्मी लेनी पड़ेगी छोटी छतरी ले लेंगे इसकी। ये देखो मौसम, अन्य पापा जा रहे हैं मुजफ्फरनगर, लड्डू बेटा चलो उठ जाओ, सोना चलो उठो, और अभी सो ही रही, सोती सोती हुई लेके जानी पड़ेगी, अगर जो यहाँ से लेके नहीं गए तो फिर रोवेगी।
तो देखिए गाइस अभी हम आ गए थे ताऊ जी के इधर और दीदी ने जो है सारा खाना बना के तैयार रख रखा और अभी हम जो है पत्तल भराई बोलते हैं कि पत्तल भरी जा रही और यहाँ पे अभी जो सामान बनाया है वो 5 पत्तल में लगेगा और पत्तल जो है ये होती है स्टील के बर्तन नहीं होंगे कुछ नहीं होंगे तो 5 पत्तल होगी तो इसमें बने हैं फल मीठे हैं और नमक की पकौड़ियाँ हैं ये वाली और सभी रखी जाएगी रोटी रखी जाएगी कढ़ी होगी चावल होंगे और हलवा होगा और ये सामान होगा 7 प्रकार की तो बना दीदी भोजन 7 प्रकार का भोजन होगा जो वो बने हैं 2 तो ये हो गए तीसरी रोटी होगी चावल हो गए हलवा हो गया और ये कढ़ी होगी तो अभी इन्हें लगा देते हैं सभी थालियों में पत्तल में ये हो गए 5-5 रख देंगे लड्डू बेटा सबको राम राम करिए आपने है राम राम करिए सबको ये खीर तो लगा दिया ठीक है और जी खीर भी बनी हुई है ये हो गया सामान अभी जो ये नमक की पूड़ियां है ये रख देंगे अभी सभी थालियों में ऐसे ही सामान लगा देंगे अभी हलवा और चावल हो गए अभी खीर रख देंगे ये सभी सामान जो है गाय को जाएगा फिर लड्डू बेटा हट जाओ मेरे सामने तो अभी जो है कड़ी भी रखी जाएगी और फिर इसे सभी भोग को जो है बब्बा बगड़ वाले का भोग है उसे लेके चलेंगे नीचे और नीचे जो है दिया लगा हुआ है और वहां पे करेंगे जाके पूजा सभी पूरी फैमिली बैठ के गाइस अभी चलते हैं नीचे और नीचे जाके करेंगे पूजा जो पत्तल में खाना लिया है यानी बब्बा का जो भोग है वो लगाएंगे जाके अभी चलते हैं सभी नीचे बुआ यहाँ पे बैठी हुई है बुआ हमारे घर 3-4 दिन हो गए आई नहीं ऐसा लग रहा बुआ से हम नाराज है क्योंकि बुआ 3-4 दिन हो गए आई नहीं बुआ हमारे साथ चलिए अब जो है हाँ तो अभी नीचे जाएंगे पहले पूजा करेंगे फिर और सबसे मिलाएंगे आपको दीदी अभी तैयारी कर रही है चलो हाँ मैं उठा रही दीदी गाइस अभी यहाँ पे जो है भोग आ चुका है और अभी की जाएगी पूजा अभी आने लग रहा राजन भी और सभी क्योंकि पूरी फैमिली बैठ के पूजा करेगी ना तो यहाँ पे जो है आग भी आ गई है हंगारी बोलते हैं जिसे इस पर उठाई जाएगी धूप हाँ एक एक करके पूज लो तो अभी यहाँ पे धूप उठाई जा रही है बब्बा को जो है भोग लगाया जा रहा पहले धूप उठाएंगे और फिर यहाँ पे जितना भी सामान बनाया खाना उसका भोग लगाया जाएगा ताऊ जी आप भी आ जाओ तो पहले धूप उठाई है और अभी यहाँ पे लगा रहे हैं सभी भोग फिर जिमाई जाएगी कन्याएं शगुन के बिना ना दिख रहा घर में कोई भी नहीं है अच्छा बढ़िया है बगड़ वाले बाबा की नहीं सही है और अभी अन्ने का के ताऊ जी बगड़ गए थे ना उसके साथ छोटा सा गया है तो अभी तस्वीर लेके आए हैं वहाँ से राजस्थान से बब्बा तो कड़ी चावल खाओगे खाओगी बप्पा चलो अभी यहाँ पे कन्याओं के पैर जो है नुचकारे जा रहे और फिर हम भी नुचकार लेंगे और दक्षिणा दी जा रही कड़ी चावल अच्छे बन रहे हैं भाई बच्चों बताइयो कड़ी चावल कैसे बन रहे थे वैसे तो प्रसाद है अच्छा लगे लेकिन बच्चों को बहुत अच्छा लगा दीदी बना हुआ अभी अच्छी चटपटी एकदम से अभी जो है कन्याएं जीम ली है खाना खा लिया है और जी चल दिए है अभी मम्मी ने अंडे का खिला दिया खा लिया उसने जरा मेरा से तो अभी यहाँ पे मम्मी को दिखाए जा रहे कपड़े जो दीदी के जाएंगे बाद में तो अभी दिखाते हैं क्या क्या लेके जा रहे तो
अभी यहाँ पे जो बर्तन आई थी बर्तन धोने के लिए उनके तो होंगे ना दीदी, देवरानी जेठानी थी जो। देखिए गाइस अभी हम आपको कपड़े दिखा देते हैं जो जो दिए जा रहे हैं बात में। तो ये तो होगा जो जात लेकर जा रहा छोटा सा, वो दीदी का लड़का इसके हो गए, और इधर गुड़िया होगी वो उनकी, और ये होगी दीदी की साड़ी येलो कलर की शिफॉन की साड़ी, और ये होगी उनकी पूरी फैमिली जो जेठानी आ रही थी, देवरानी आ रही थी, और जी जो उनके साथ पूरी फैमिली आ रही थी भात नोतवाने के लिए। हमने आपको वीडियो में दिखाया था 9-10 जने आ रहे थे, तो सभी का सूट रखा है ये देखो, और सास ससुर की साड़ी होगी मम्मी है वो टेरिकोट की साड़ी है, ये हो गए बब्बा जी दिखते हैं शायद, और दादी की दादी माँ जी की रही साड़ी जो उनकी दादी है यानी दीदी की सास है, ये देखो ये ससुर का होगा, तो पूरी फैमिली का ही हो गए कपड़े तो दी। और दो जोड़े जो महाराज जी जा रहे ना उनके साथ में गुरु जी जा रहे वहाँ पे जात लेकर जा रहे हैं उनके हो गए, तीन देवताओं के हो गए सभी के, कम से कम ऐसा हो गया 25-30 जगह कपड़ा, 30 जगह कपड़ा हो, 31 जगह हो गया, तो सभी का जितना भी होगा कल जाएंगे और कल भी दिखाएंगे आपको वीडियो में वहाँ जाकर कि कौन कौन आया है और क्या। तो गाइज अभी यहाँ पे ये है राजन, इनसे मिले ये बहुत शर्मा हुआ वीडियो में और ये मेरा बेटा है यार, जो उसकी शादी होगी ना तो मैं जल्दी साथ बन दूंगी और यह सबसे पहली खुशी है क्योंकि छोटी उम्र में साथ बनना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब राजन की शादी होगी और मेरे से ऊंचा हो रहा है और फिर 2 साल बाद हम शादी करेंगे, अगर कोई लड़की हो तो बताइए, नहीं अभी तो पढ़ रहा 12th करी अभी तो इसमें, तो मजाक कर रही और अन्य का यहीं पे भी खेल दे, छोटे वाला है और बड़े वाला ये है यहाँ पे, और शगुन जा रही है जो लड़की है। तो देखिएगा इस अभी हम आ चुके हैं ताऊजिया के उधर से और खाना खा के आए हैं, से कढ़ी थे चावल थे ये सब चीज़ें वो दिखाई थी आपको, खीर है थी, हलवा था, रोटी थी, और जी 7 प्रकार के भोजन बने हुए थे। तो अभी यहाँ पे आने के बाद करने हैं कपड़े चेंज, और फिर कपड़े चेंज करने के बाद करनी है वीडियो एडिट, क्योंकि वीडियो एडिट करनी आज शाम के टाइम में ज़रूरी है, वो इसलिए क्योंकि कल हमें जाना है दीदी के यहाँ पे, जो ताऊ जी की लड़की है ना उनके यहाँ पे जाना है, जो हमने उनके कपड़े वगैरह दिखाए हैं चाव लेकर, तो क्योंकि उनका लड़का बागड़ गया हुआ है और उसकी जैत बोलते हैं कि जैत चढ़ानी होती है, तो उसके भात दिया जाएगा वहाँ पे, और फिर जो भी होगा वहाँ पे मतलब कि ढोल वगैरह बजता है ये सब चीज़ें, बागड़ वाले की चाप चढ़ती है, चाप होती है चने की, चने भिगो कर लिया ले जाए जाते हैं बिना उबाले कच्चे ही, तो उसका प्रसाद चढ़ता है। तो चलिए जी अभी अर्णिका नीचे ही रह गई थी अपने बाबा जी के पास, चाचा जी भी आ चुके हैं आज और वो उनके पास ही रहेगी, तो उन्होंने खाना खा लिया है, खाना उनका लेकर आ गए थे। तो चलिए गाइस अभी अपनी वीडियो का कर देते हैं यहीं पर एंड, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक लाइक भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपको अपने कच्चे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, जय श्री राम, राधे राधे।